गाइज, आज का हमारा फ्रेज है सूनर और लेटर। इसका मतलब होता है कभी ना कभी, या फिर कह सकते हैं एक ना एक दिन, या फिर कह सकते हैं आज नहीं तो कल, या फिर कह सकते हैं देर सवेर। तो सूनर और लेटर का यूज हम तब करते हैं जब आपको ये चीज पता हो कि कोई काम भविष्य में होगी जरूर, लेकिन कब होगी, किस समय होगी ये पता नहीं। उस कंडीशन में हम सूनर और लेटर का यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस, कभी ना कभी तुम्हें शादी करनी ही होगी। इट मीन्स आपको ये चीज पता है कि शादी तो करनी है, लेकिन कब होगी, किस समय होगी ये पता नहीं। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए गाइज हम सूनर और लेटर का यूज करते हैं। तो इसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फटाफट बिना देरी करते हुए इस फ्रेज को स्ट्रक्चर में फ्रेम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आपको क्या करना है, सूनर और लेटर का यूज करना है। सूनर और लेटर, देन हम कामा का यूज करेंगे प्लस कंप्लीट सेंटेंस। सूनर प्लस लेटर प्लस सेंटेंस। एंड सूनर और लेटर का एक खास बात है, आप इसे सेंटेंस के एंड में भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, कभी ना कभी तुम्हें शादी करनी ही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यूज करेंगे, सूनर और लेटर। सूनर और लेटर, देन हम कामा का यूज करेंगे, देन जो भी आपका सेंटेंस है उसे यूज करना है। क्या है, तुम्हें शादी करनी ही होगी। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे यू विल हैव टू मैरी। यू विल हैव टू मैरी। सूनर और लेटर यू विल हैव टू मैरी। सूनर और लेटर यू विल हैव टू मैरी। या फिर कह सकते हैं गाइज, यू विल हैव टू मैरी सूनर और लेटर। तो आप सूनर और लेटर का यूज आप सेंटेंस के एंड में भी कर सकते हैं। आपको जिस तरह से इजी लगे उस तरह से आप यूज कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट वन, एक न एक दिन पुलिस उसे ढूंढ ही लेगी। सूनर और लेटर पुलिस उसे ढूंढ ही लेगी। द पुलिस विल फाइंड हिम। यदि लड़की होगी तो हर का यूज कीजिएगा। ओके, सूनर और लेटर द पुलिस विल फाइंड हिम। सूनर और लेटर द पुलिस विल फाइंड हिम। यदि लड़की होगी तो हर का यूज करेंगे, जैसे सूनर और लेटर द पुलिस विल फाइंड हर। आज नहीं तो कल उसे सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। सूनर और लेटर उसे सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे सी विल हैव टू, मजबूरी वाली इंग्लिश है तो हैव टू का यूज करेंगे, टू फेस रियलिटी। सूनर और लेटर सी विल हैव टू फेस रियलिटी। सूनर और लेटर सी विल हैव टू फेस रियलिटी। कभी ना कभी तुम्हें निर्णय लेना ही होगा। सूनर और लेटर तुम्हें निर्णय लेना ही होगा। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन। यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन। सूनर और लेटर यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन। सूनर और लेटर यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन।
देन नेक्स्ट वन, एक न एक दिन वो वापस आ जाएगा, सुनर और लेटर। गाइज यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ऐसे ही मेरे साथ साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहे। मैं आप सभी को प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ, तो प्रैक्टिस करते ही चलना है आपको। ओके, वो वापस आ जाएगा, ही विल कम बैक, ही विल कम बैक, कम बैक, सुनर और लेटर ही विल कम बैक, सुनर और लेटर ही विल कम बैक, एक न एक दिन तुम मुसीबत में पड़ोगे, सुधर जाओ नहीं तो, एक न एक दिन तुम मुसीबत में पड़ोगे। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे सुनर और लेटर, सुनर और लेटर तुम मुसीबत में पड़ोगे। तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं यू विल बी इन ट्रबल, यू विल बी इन ट्रबल मीन्स क्या होता है, मुसीबत होता है। सुनर और लेटर यू विल बी इन ट्रबल, सुनर और लेटर यू विल बी इन ट्रबल, कभी ना कभी तो आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, सुनर और लेटर, सुनर और लेटर आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, यू नीड मी, सुनर और लेटर यू विल नीड मी, सुनर और लेटर यू विल नीड मी, देर सवेर मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, सुनर और लेटर मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, आई विल रिटर्न योर मनी, आई विल, सुनर और लेटर आई विल रिटर्न योर मनी, सुनर और लेटर आई विल रिटर्न योर मनी। अब गाइज दो सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग फ्रेम करेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। सेंटेंस है आपका, कभी ना कभी वो सच्चाई जान जाएगा, एंड नेक्स्ट वन, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। तो गाइज आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिली हो, हेल्पफुल लगी हो, तो एक लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत माँ की जय हो।